हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चल कर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थक कर नहीं बैठना, चलते रहना। साथियों, अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता, आप मैथ में जीरो हैं, एकदम शून्य हैं, तो आप टेंशन नहीं लीजिए। शून्य से शिखर तक का आज ये आपका 5वां एपिसोड होगा, जिसमें आज आप सीखेंगे मल्टीपल एंड फैक्टर, यानी कि गुणज और गुणनखंड क्या होते हैं। ये चलिए इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। प्यार से पहले अच्छे से ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, प्रायः देखा भी होगा, अपनी दैनिक जीवन में महसूस भी किया होगा कि भैया जो चार है, फोर, ये टू इंटू टू ऐसे करने पे आता है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मैं दोनों को एक ही में बताऊं या अलग अलग दोनों का एग्जांपल बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ये क्या है? चार का, यहाँ पे चाहे आप लिख लो, ये फोर का गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है। ठीक, समझ में आई बात? और ये क्या है पता है? ये दो का गुणज है। क्या है? गुणज है, मतलब मल्टीपल है। टू का मल्टीपल फोर है और फोर का जो फैक्टर है वो टू है। टू इंटू टू, ओनली टू नहीं बोलोगे आप ना? फोर का मल्टीपल, सॉरी, फोर का जो फैक्टर है वो टू इंटू टू है। ये फोर का फैक्टर है, लेकिन अगर हम बोलें कि भैया टू का बताओ गुणज, तो ये फोर है। समझ गए? हाँ, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि टू का गुणज फोर इसलिए है क्योंकि दो दूना चार होता है। देखो, इसे थोड़ा विस्तार से समझ लो। इधर साइड में गुणज क्या होता है? जैसे हमने एक नंबर लिखा, मान लो टू ही लिखा है, ठीक, टू के गुणज लिखना है। गुणज का मतलब इसका पहाड़ा, ठीक है। टू का क्या करना है? हमें इसका पहाड़ा लिखना है। जैसे टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टेन, ये ट्वेल्व, ये सभी इसके गुणज हैं। मतलब जो उसके टेबल में आएंगे टू के, वो सभी उसके क्या हैं? गुणज हैं, या फिर इन्हें आप मल्टीपल भी बोल सकते हो। जैसे दो एक कम दो होता है, दो दूना चार, दो तीन छः, इस तरह से होता है ना। तो पूरी कहानी बस यही है, समझ गए ना? ये होता है गुणनखंड और गुणज, मल्टीपल एंड फैक्टर। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे आपको कुछ और बताते हैं। हो गया इतना? चलिए, अब इसमें हम आपको कुछ और एग्जांपल बताएंगे। जैसे इधर साइड में आप ध्यान से देखो, गुणनखंड में जो छोटे छोटे नंबर हैं उनके गुणनखंड बहुत आसान होते हैं, लेकिन गुणनखंड करते कैसे हैं जो थोड़े बड़े नंबर होते हैं? गौर से देखना। देखो यार, जैसे अगर मैंने फोर लिखा तो आप जानते हो इसका गुणनखंड टू इंटू टू हो गया। अगर मैंने सिक्स लिखा तो आप बोलोगे टू इंटू थ्री हो गया। हाँ, एक बात और याद रखना, इनके फैक्टर में हमेशा वन सभी में होता है। ये सजिया में रहता है, वन हर किसी के साथ रहता है। ये वफादार नहीं है, समझ गए ना? कोई भी नंबर ले लो, अगर हमने 12 लिया तो ये 2 इंटू टू और इंटू थ्री इंटू वन। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये इनको पता कैसे है कि दो दो तीन होगा, एक होगा, ये सब आता कैसे है? आपके मन में सवाल होगा ना, मैं बताऊंगा अभी, और आगे देखते जाओ। जैसे अगर मैंने लिखा कि ये 28, तो दो दूना चार, सते 28। अब जिनको नहीं आता वो सोच रहे होंगे इसमें दो दो और तीन लिखे थे, इसमें सात काहे लिखे? इसलिए लिखा जाता है कि इसका जब गुणा करो पूरा पूरा तो फिर ये आ जाए, समझ गए ना? दो दूना चार, सते 28 आ जाएगा ना। लेकिन ये आता कैसे है, इसको थोड़ा सा विस्तार से सीख लो। ये हेडिंग डाला गया, लेकिन मैं समझा रहा हूँ इसको। देखो, ये समझ गए इतना कि नहीं? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, या फिर स्क्रीन शॉट ले लो, मैं इधर साइड बताऊँगा क्योंकि वो दूसरा हिस्सा है। हो गया? ओके, चलिए देखिए, ये गुणनखंड करते कैसे हैं। हाउ वी कैन फाइंड फैक्टर ऑफ अ बिग नंबर? पहले तो मैं आपको 28 से सिखाऊंगा, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब हम ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसी गिनती बताओ, एक ऐसा अंक बताओ जिससे कि हम भाग करें 28 में तो जीरो से सफल आए, शून्य आ जाए। सोचो, सबसे छोटी गिनती से ही शुरुआत करेंगे, बड़ी नहीं। तो वन से तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि किसी भी संख्या में वन से भाग देने पे संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही संख्या आ जाती है। इसलिए वन से नहीं करेंगे, हम टू से कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि टू से भाग करने पर ये जीरो से सफल आएगा भी या नहीं आएगा। उसके लिए आपको पहले
जो इसके क्लास हो चुकी है उनको सीखना चाहिए, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, पूर्णांक अपूर्णांक, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सब अगर आप जानते हो तो आप बड़े आराम से समझ जाओगे इसकी कहानी क्या है। देखो कैसे, देखो यार 28 जो है ये एक प्रकार से सम संख्या है और ये भाज्य संख्या भी है। इसका मतलब अगर सम है और भाज्य भी है तो दो से पक्का कटेगी, है ना। तो इसको हम दो से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो दो एक कम दो, इसके पहले मैंने भाग बताया जस्ट पिछली क्लास में, भाग सिखाया था ना, इसलिए सिखाया था। नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में देखो, लिंक होगी उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर लीजिए, जिससे कि आप हर एक क्लास को इसी तरह देख सकें। बेल आइकन ऑन करना मत भूलना, नहीं सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 2 1 2 जीरो हो गया। अब ऊपर एक गिनती बच रही थी 8, इसको यहाँ लिख लेंगे और 2 4 8। तो भैया ये देखो अगर आप ध्यान से, तो यहाँ हमें 14 प्राप्त होता है। शेषफल जीरो आ गया, शून्य आ गया ना, यहाँ काटो पीटो नहीं, क्या लिखो, जीरो। ओके, तो इसलिए हम 2 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ नीचे क्या आएगा, 14। हमें क्या करना है, जैसे मट्ठा घोर के घी निकालते हैं ना, उसी तरह हमें घी निकालना, बस इसको मिटा देना है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक। मतलब 14 क्या है, घी है, आ गया। अब फिर इस तरह से आप 14 में भाग करोगे 2 से, भाग करना आपको आता है, भाग कर लेना, ऊपर 7 आएगा, लिख दोगे। ऊपर का मतलब होता है भागफल या कोएफिशिएंट, बाकी ऊपर नीचे नहीं बोला करो, गणित की भाषा में भागफल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना ऊपर 7 आएगा नीचे 2 आएगा, ऐसे बोलोगे तो ये आपको गंवार समझेंगे लोग। आप क्या करोगे, 7 आ गया। अब कुछ लोगों के मन में होगा कि भैया 7 में भी 2 से भाग दे दो, तो 2 3 अच्छा ये 0 होगा ही नहीं होगा, 0 कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम इसको 2 से भाग करेंगे ही नहीं, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, इसकी किसी से नहीं पड़ती है भैया, ये 7 7 से ही कटेगा, यानी 7 1 7। कैसे, मतलब ये कि 7 को 7 से भाग करोगे तभी वो 0 से इस फल आएगा। तो ये जब लास्ट में यहाँ 1 आ जाए तो मान लो कहानी ख़त्म। हाँ एक बार आप अपनी संतुष्टि के लिए 1 से भी भाग दे दो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर 1 आ जाएगा। बस यही क्या है, ये जो मिल रहे मोहरे इधर साइड ना, यही इसके क्या हैं, फैक्टर हैं, यही इसके गुणनखंड हैं, समझ गए ना, नोट कर लो जल्दी से। तो ये गुणनखंड हो गए 28 के, अभी मैंने यही तो लिखा था ना, 2 2 7 1, ऐसे निकालते हैं। इसके बगल में जो है भैया गुड़ज वाला, उसकी कहानी तो आप सीख ही गए हो, जैसे इधर साइड में देख लो गुड़ज में क्या होता है, कोई भी संख्या का गुड़ज आपको बताना है तो बताओ, जैसे मैंने कहा कि चलो बताओ 18 के 5 गुड़ज बताओ, 18 के पहाड़ा में जो 5 गिनती आती कोई भी लिख दो, ये कोई ब्रह्मा ने बता के नहीं मतलब आपको भेजा है कि जाओ 18 का गुणनखंड 18 36 32 ही लिखना, नहीं, कौन सा लिखोगे। हमने मान लो लिख दिया 54 लिख दिया, 72 लिख दिया, 36 लिख दिया, 90 लिख दिया। तो ये सभी क्या हैं, फैक्टर हैं। क्यों फैक्टर हैं, क्योंकि इसके पहाड़ा में इसके टेबल में आते हैं एक प्रकार से। ऐसे नहीं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इस नंबर से यानी कि 18 से जो जो गिनती पूरा पूरा कट जाएगी वो क्या कहलाएगी, गुणज कहलाएगी या मल्टीपल कहलाएगी। नहीं, कुछ लोगों के दिमाग में ये बुद्धि बैठ रही होगी कि भैया 18 के पहाड़ा 18 धामा 180 होता है, तो यानी जो 180 के नीचे हैं 18 के बीच में 180 के बीच में उन्हीं से मतलब गुड़ज उन्हीं को बोलेंगे, बाकी नहीं बोलेंगे ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके ऊपर जाने के बाद भी गुड़ज हो सकता है। 198 भी क्या है, 18 का गुड़ज है, 198 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 18। कैसे, क्योंकि 18 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो 18 1 18 18 1 18 11 आएगा, यानी अगर हम बोले 18 धामा 180 तो 18 ग्राम में 198 होता है, 18 ब्रह्म में। देखो भैया पहाड़ा आपको पढ़ाया जाता 10 तक, 18 जैसे कहा जाए 5 धामा 50, बच्चे कहते हैं हाँ भैया बस हो गया पहाड़ा खत्म, धामा तक होता है, उसके आगे नहीं होता है, लेकिन टेबल का कोई अंत नहीं होता है, ठीक ना। आप लोग का दिमाग हैंग ना कर जाए इसलिए 10 तक याद करवाया जाता है कि 3 धामा 30 होता है बस, अब चलो 4 का याद करो, 4 धामा 40 होता है बस, हो गया इसी पे ख़त्म कर दो ना। लेकिन टेबल उसके आगे भी होता है, क्योंकि उन संख्याओं का जो गुणज है मल्टीपल है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, जैसे इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं ना, समझ रहे हो ना। आज पैदल चल रहे हो तो सोचोगे साइकिल होती तो अच्छा रहता, कहीं से साइकिल भी मिल गई पापा ने दिला दिया कहीं से हो गया, अब सोचोगे यार इसमें तो पैडल मारना पड़ता है, अगर बाइक होती तो और अच्छा रहता ना। बाइक मिलने के बाद ये होता है धूप भी लगती है, धूल भी उड़ती है, बड़ी मुसीबत लगती है यार, कार होती तो और अच्छा रहता है ना। तो ये सब बातें हैं जो आपको समझना चाहिए, लाइफ में भी आपको कभी ना कभी फेस करना पड़ता है।
तो ये क्या था, गुणनखंड और गुणज, मल्टीपल एंड फैक्टर। आज की क्लास का अब इसके आगे समय इजाज़त नहीं देता है, तो फिलहाल यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास आप एक घंटा दो घंटा देखें हर दिन, जल्दी से जल्दी मैथ सीख जाएं, क्योंकि 10 मिनट अगर हर दिन पढ़ोगे तो भैया इस तरह सीखने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा और समय की बहुत बड़ी किल्लत चल रही है आजकल दुनिया में, तो आप प्रीमियम क्लास ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन प्रीमियम लिख करके इस पर भेज दीजिए, लेकिन भेजने के पहले ध्यान दीजिए, इस पर आपको शुल्क पेमेंट करना होगा। PBR स्टडी ऐप के द्वारा आपको जाकर के कोर्स खरीदना होगा, जिसमें आपको क्लास 5 to 8 तक के लिए आज प्रेजेंट समय में अगस्त 2020 में जो अभी आपको पे करना है उस समय 549 करना है, पूरा 90 डे के लिए ओनली वन टाइम पे करना है। इतने में आप कक्षा 8 तक का पूरा NCERT मैथ पा जाएंगे, और अगर आप 10 तक करेंगे तो आपको 699 पे करना है। अगर आपको लग रहा है ये पैसा वाला झंझट अच्छा नहीं है, तो आप YouTube पे सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसे देखते रहिए, कोई पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री, ठीक है। लेकिन उसके लिए दोस्तों में क्लास को खूब शेयर करना है और देखना है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप फ्री में सीख पाओगे, तो दोनों में से जो चाहो आप कर लो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद साथियों। चलते चलते आपसे निवेदन होगा कि अगर आप इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो भैया कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पढ़ते रहना।